Tertiary education. नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का श्री एजुकेशन की तरफ से, और मेरा नाम है रवि। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पिट्स इंडिया एक्ट जो कि 1784 में आया था उसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये आधुनिक भारत के इतिहास का भाग है। इसके पहले हमने आपको जो बताया था रेगुलेटिंग एक्ट बताया था जो कि 1773 में आया था। जो रेगुलेटिंग एक्ट के जो दोष थे उसी का जो सुधार थे इसमें लाए गए थे 1784 में, ये पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू। ये एक्ट जो भी हम पूरी सीरीज पढ़ रहे हैं, जितने भी एक्ट आए थे आधुनिक भारत के इतिहास में स्वतंत्रता से पहले, ये तभी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो पाएंगे, तभी आपको अच्छे समझ में आ पाएंगे जब आपने हमारे पूरे आधुनिक भारत के इतिहास की पूरी सीरीज देख रखी होगी। अगर वो आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे आधुनिक भारत का इतिहास, वो आपको मिल जाएगा वहाँ पे, या प्लेलिस्ट में जाकर वो सब देख सकते हैं। और बाकी कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तब भी आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको सभी क्रैश कोर्स ये और डिटेल पार्ट मिल जाएंगी। तो चलिए पढ़ते हैं पिट्स इंडिया एक्ट जो कि 1784 में आया था। अब पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, सबसे पहले ये जानना आपको देखिए कि 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके दोषों को दूर करने के लिए इस एक्ट को पारित किया गया था। जो भी 1773 में आए हुए रेगुलेटिंग एक्ट में जो दोष थे उसी को सुधारने के लिए इसको ये पारित किया गया था। और ये नाम से ही पता लग रहा है, इस एक्ट से संबंधित कानून ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री पिट द यंगर, जो पिट द यंगर उन्हीं के नाम से ये पिट्स इंडिया एक्ट ये बोला जाता है, ठीक है, पिट द यंगर ने संसद में प्रस्तुत किया था ये वाला एक्ट, और 1784 में ब्रिटिश संसद ने इसे पारित भी कर दिया था। और इसकी विशेषताएं आपको मालूम होनी चाहिए, इस पिट्स इंडिया एक्ट की विशेषताएं क्या थी, इसमें क्या था, 6 कमिश्नरों का एक नियंत्रण बोर्ड था, मतलब 6 कमिश्नरों की एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी जिसे भारत में अंग्रेजी अधिकृत क्षेत्र पर पूरा अधिकार दिया गया था। 6 कमिश्नरों का एक नियंत्रण बोर्ड था जिसकी स्थापना की गई थी, और उसको क्या किया गया था, अंग्रेजी अधिकृत जो क्षेत्र थे भारत के उस पर पूरा अधिकार दे दिया गया था। अब ये जो 6 कमिश्नरों का नियंत्रण बोर्ड था, इसको कहा जाता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता था। इसको क्या कहा था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना जाता था। इसके सदस्य की नियुक्ति ब्रिटेन के सम्राट द्वारा की जाती थी। इसके जितने भी 6 सदस्य थे ना, उनकी नियुक्ति जो थी वो ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा होती थी। इसमें आप ये जान लीजिए, 6 सदस्यों में से एक जो था वो ब्रिटेन का अर्थमंत्री था, और दूसरी सीट तो जो थी वो विदेश सचिव की थी, और जो 4 अन्य सम्राट थे, जो 4 अन्य सीटें थी ना, वो सम्राट के द्वारा जो प्रिवी जो काउंसिल थी उसी के सदस्यों में चुने जाते थे। प्रिवी काउंसिल में जो सीनियर पॉलिटिशियन थे वो इसके मेंबर थे प्रिवी काउंसिल के, उनमें से 4 सदस्य चुने जाते थे। किसके द्वारा, ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा चुने जाते थे, और 2 बाकी तो फिक्स थी, एक तो अर्थमंत्री और दूसरी विदेश सचिव की थी। भारत में गवर्नर जनरल के परिषद की सदस्य संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी थी। 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, एक जनरल गवर्नर जनरल की पोस्ट आई थी और उसके जो सहायक होंगे 4 सदस्य थे, मगर अब घटाकर क्या कर दी गई, 3 कर दी गई, और उनमें से उन तीनों में से एक जो था वो मुख्य सेनापति को कर दिया गया था, एक जो था मुख्य सेनापति को दे दी गई थी, चीफ ऑफ कमांडर को दे दी गई थी, ठीक है। बम्बई और मद्रास के गवर्नर पूर्ण रूप गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए थे। जो बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर थे ना, वो पूरी तरीके से किसी भी परिस्थिति में वो गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन रहेंगे। इस समय भी आपका जो गवर्नर जनरल था वो आपका वारन हेस्टिंग था। वारन हेस्टिंग ने इसका विरोध किया था, जो ये पिट्स इंडिया एक्ट आया था उसका विरोध किया था, और उसने इस्तीफा भी दे दिया था, और वो चला गया था 1785 में चला गया था इंग्लैंड, जहाँ पे उसके ऊपर बर्क ने महाभियोग चलाया था, ठीक है, इम्पीचमेंट चलाया था उसके ऊपर, मगर वो बाद में केस जीत गया था, वो बाद की बात है। ये सब जानकारी आपको आधुनिक भारत के इतिहास में हम दे चुके हैं, ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए। अब भारत में अब कंपनी की अधिकृत प्रदेशों को पहली बार नया नाम ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश दिया गया। जितने भी कंपनी के अधीन भारत का पूरा क्षेत्र था उसको पहली बार क्या कहा गया, ब्रिटिश अधिकृत भारतीय क्षेत्र कहा गया। अब देखिए, मद्रास तथा बम्बई के गवर्नरों की सहायता के लिए
तीन तीन सदस्यीय परिषदों का गठन किया गया। अब मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे उनकी सहायता के लिए भी तीन तीन सदस्यों मतलब का गठन किया गया। देशी राजाओं से युद्ध तथा संधि से पहले भारत के जितने भी देशी राजा थे उनसे युद्ध और संधि अगर करनी होती थी गवर्नर जनरल को, तो सबसे पहले उसको गवर्नर जनरल को कंपनी के डायरेक्टरों से स्वीकृति लेना अनिवार्य हो गया था। अब क्या हो गया, जो कंपनी के डायरेक्टर थे, आपको समझ में आ गया कंपनी डायरेक्टर कौन है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की जो टीम थी 24 सदस्य की, उनसे स्वीकृति लेना अनिवार्य हो गया था। ठीक है, भारत में अंग्रेज अधिकारियों के ऊपर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई थी। इस एक्ट के तहत भारत में जो अंग्रेज अधिकारी थे उनके ऊपर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई थी। उसके बाद देखिए, कंपनी के डायरेक्टरों की एक गुप्त सभा बनाई गई, कंपनी के डायरेक्टरों की एक गुप्त सभा बनाई गई जो अधिकार सभा या संचालक मंडल के सभी आदेशों को भारत भेजती थी। ठीक है, संचालक मंडल द्वारा तैयार किए जाने वाले पत्र व आज्ञाएं नियंत्रण बोर्ड के सम्मुख रखे जाते थे। अब नियंत्रण बोर्ड आपको समझ में आ गया, संचालक मंडल को भारत में प्राप्त होने वाले पत्रों को भी नियंत्रण बोर्ड के सम्मुख रखना आवश्यक हो गया था। ठीक, और नियंत्रण बोर्ड पत्रों में तब्दीली कर सकता था, नियंत्रण बोर्ड जो था वो उन पत्रों में तब्दीली कर सकता था। तो ये सब आपको पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में पूरी जानकारी है, ये सब आपको जानना जरूरी है। अब देखिए, जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था वो केवल 20 साल के लिए वैलिडिटी थी उसकी, जो उधर ब्रिटेन से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था ना, वो केवल 20 सालों के लिए वैलिड था। तो 20 साल जब 1793 में हो जाएंगे तो चार्टर्ड एक्ट आएगा, तो चार्टर्ड एक्ट जो है वो भी 20 सालों के लिए होगा, फिर 1813 में आएगा ऐसे। ठीक है, तो 1773 के बाद जो है 1793 में वो उसकी वैलिडिटी खत्म हुई थी, ये चार्टर्ड एक्ट आया था, मगर उससे पहले पिट्स इंडिया आ चुका था। पिट्स इंडिया जो है 1784 में आया हुआ, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है आपको 1786 का जो अधिनियम आया था वो हम बताएंगे अगले वीडियो में, और 1793 का जो पिट्स इंडिया एक्ट, जितने भी मतलब एक्ट आए थे जितने भी थे स्वतंत्रता से पहले, सभी आपको पूरी सीरीज आपको इसमें मिल जाएगी। देख, 1793 का जो चार्टर्ड एक्ट से पहले 1786 का अधिनियम आया था, ये छोटा सा था, इसको अभी पढ़ लेते हैं। बाकी जो चार्टर्ड एक्ट जो थी 1793 1813 वाले, ये इंपॉर्टेंट है, ये अगले वीडियो में देखेंगे। तो 1786 में जो अधिनियम आया था वो उसके तहत आपको ये याद रखना है कि जो गवर्नर जनरल है ना उसको जो मुख्य सेनापति की शक्तियाँ भी उसको मिल गई, जो गवर्नर जनरल को मुख्य जो सेनापति थे उसकी भी शक्तियाँ उसको दे दी गई थी। ठीक है, ये पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट आपको ये याद करना है कि जो भी मतलब गवर्नर जनरल के जो भी सदस्य थे उसके सहायता के लिए, उसको गवर्नर जनरल को ये भी अधिकार दे दिया गया, ये भी पावर दे दिया गया कि विशेष परिस्थितियों में जो भी उनके निर्णय हैं उनके निर्णयों को भी वो रद्द कर सकता है, उनके निर्णयों को भी क्या कर सकता है, वो रद्द कर सकता है, या उनके जो निर्णय उनको लागू कर सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड हो गया। पूरी पावर मतलब जो है गवर्नर जनरल को और उसकी पावर बढ़ा दी गई, कुल मिलाकर 1786 के अधिनियम के द्वारा और उसकी पावर बढ़ा दी गई। अब इसके बाद के वीडियो में हम पढ़ेंगे 1793 का जो चार्टर्ड एक्ट था और उसके बाद 1813 का चार्टर्ड एक्ट, जिनमें 1793 तो छोटा ही था, उसमें कुछ किया नहीं, ज़्यादातर उसमें आपका 20 साल और बढ़ा दिया गया, तो 1813 में जो था वो मेन था, उसकी विशेषताएं बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, उसके बाद 1833 के बाद सभी 20 20 साल हैं जो चार्टर्ड एक्ट हैं, जो 20 20 साल के अंतर्गत आएंगे। तो 33 के बाद क्या आएगा, 1853 में आएगा, 1853 में आएगा, और 53 के बाद आपको पता ही है 1857 में, वो 1857 की क्रांति के बाद 1858 में पूरी तरीके से जो है अधिकार वो ब्रिटेन के हाथों में आ जाएगा, ब्रिटेन क्राउन के हाथों में पूरी तरीके से आ जाएगा, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। तो हमें बाकी जो चीज़ें हैं अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। तो हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, मगर उससे पहले जो स्क्रीन पर 4 वीडियो आपके आ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड, आप देख लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक नमस्कार।